और चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि जम्मू के गांधीनगर क्षेत्र में एक ग्रीन बेल्ट पार्क है जहां पर एक तेंदुए की दस्तक से दहशत का माहौल हो गया है। तेंदुआ ग्रीन बेल्ट पार्क में घूमता हुआ नजर आ गया। बकायदा इस दौरान तेंदुए ने एक व्यक्ति पर भी हमला कर दिया। बता दें कि हमले में घायल हुए व्यक्ति को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वहीं तेंदुए को देखने के लिए लोगों का ग्रीन बेल्ट पार्क के बाहर जमावड़ा लग गया है। तो जम्मू का ये ग्रीन बेल्ट पार्क है जिसमें तेंदुए ने हमला किया है। अहम खबर इस वक्त की बता दें आपको कि दरअसल तेंदुआ अचानक से आ गया और ऐसे में लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा और इस बीच एक शख्स पर भी इस तेंदुए ने हमला कर दिया। देखिए कैसे पार्क के अंदर तेंदुए ने यह हमला किया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इसको जब भगाने की कोशिश यहां से की जा रही थी क्योंकि जैसे ही इस तेंदुए को यहाँ पर देखा आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। हमेशा गांधीनगर में है और ये ग्रीन बेल्ट पार्क के ठीक सामने का इलाका है। आप देखें ग्रीन बेल्ट पार्क के अंदर ही ये तेंदुआ जो है वो बैठा हुआ है। लगभग 3 घंटे हो चुके हैं इसे पकड़ने की जो कवायद है वो लगातार चल रही है और ये तेंदुआ सामने बिल्कुल रेजिडेंशियल इलाके के बीच बैठा हुआ है पार्क के अंदर, जिसके कारण पूरे इलाके में दहशत है। कोशिश यही प्रशासन लोगों को कह रहा है कि लोग यहाँ से निकल जाएं ताकि किसी भी तरह से उनके लिए खतरनाक ना हो। सामने आप ये देखें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये देखें ये निकला यहाँ से तेंदुआ और ठीक सामने जो है ये तेंदुआ इस वक्त बैठा हुआ है। लोग क्योंकि बाहर, अगर मैं बताऊं, मैं कैमरामैन से कहूंगा वो बाहर बताएं कि बाहर लोग जो हैं वो देखें, लोग तस्वीरें खींचने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो काफी काफी खतरनाक जो है वो हो सकता है। लोगों से बार बार यही अपील वन विभाग के लोग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से लोग यहां से निकल जाएं, मगर लोग हैं कि वो सुन नहीं रहे और यहीं पर बने हुए हैं। वाइल्ड लाइफ की जो टीम है वो आपको बता दूं कि अटेम्प्ट कर चुकी है उसे बेहोश करके पकड़ने के लिए, मगर वहां से वो स्किप कर गया है, उसे फायर लगा है नहीं, ये अभी साफ नहीं है। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। और चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक लेते हैं मुख्तार अंसारी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि मुख्तार को रोपड़ जेल लेने के लिए यूपी पुलिस जो है पहुंच चुकी है। यूपी पुलिस को फिलहाल मुख्तार की कस्टडी जो है वो सौंपी गई है। बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी ही देर में यूपी पुलिस मुख्तार को लेकर रवाना हो जाएगी। अहम खबर इस वक्त की, बस थोड़ी ही देर का इंतजार और, क्योंकि जो कागजी कार्रवाई हो रही थी वो पूरी हो चुकी है। तो मुख्तार अंसारी को लेकर बस थोड़ी ही देर में यूपी पुलिस जो है वो निकलने वाली है। पंजाब के रोपड़ जेल में फिलहाल मुख्तार अंसारी है। तो 850 किलोमीटर का ये सफर है जिसे तय करना है। कई रोड मैप जो है वो तैयार किए गए हैं। प्लान ए प्लान बी के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो काम कर रही है। तो अब पंजाब से माफिया जा रहा है और अब यहां से सीधा भेजा जाएगा योगी आदित्यनाथ की जेल में। हालांकि हर किसी को सुरक्षा के लिहाज से, चाहे उनकी पत्नी की बात करें, डर सता रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब अब वहां पहुंचेगा मुख्तार अंसारी, जिसको लेकर के अब से पहले कई बार उत्तर प्रदेश की पुलिस को बेरंग लौटना पड़ा था, लेकिन आज वो इस मुख्तार माफिया को साथ लेकर वापस जा रही है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।